इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th के सब्जेक्ट साइंस का केमिस्ट्री पार्ट से चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ये इस चैप्टर की सेकंड वीडियो है, यानी कि पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था चैप्टर के सभी कॉन्सेप्ट्स को। सो रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को देखने से पहले आप पार्ट 1 जरूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सो पार्ट 2 में, यानी कि इस पार्ट में, हम देखेंगे चैप्टर से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा थिंग्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। शुरू करते हैं इसे। पार्ट 1 में हमने मैटर की स्टेट्स के बारे में पढ़ा था। स्टेट्स ऑफ मैटर में हमने सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीन स्टेट्स के बारे में पढ़ा था। लेकिन मैटर की टोटल 5 स्टेट्स होती हैं, ठीक है। फर्स्ट होता है उसमें सॉलिड, सेकंड होता है लिक्विड और थर्ड होता है गैस। तो बची हुई 2 स्टेट्स जो है उनके बारे में पढ़ते हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर में फोर्थ स्टेट होती है प्लाज्मा। ये क्या होता है? इट इज अ हॉट आयोनाइज्ड गैस कंसिस्टिंग ऑफ इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज आयन्स एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। प्लाज्मा जो मैटर की स्टेट है वो एक हॉट आयोनाइज्ड गैस होती है। आयोनाइज्ड यानी कि इस पे कोई चार्ज होता है। इसमें जितने पॉजिटिवली चार्ज आयन्स होते हैं उतने ही इसमें नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। यानी कि इसमें गैस के साथ साथ, ठीक है, गैस जो होती है उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स होते हैं, ठीक है। और इसका बेस्ट, अगर एग्जांपल की बात करें तो इसका बेस्ट एग्जांपल हो जाएगा लाइटनिंग, यानी कि बिजली कड़कना। जब बारिश के मौसम में जो बिजली कड़कती है वही लाइटनिंग, ठीक है, ये इसका एग्जांपल हो जाएगा। और स्टार्स जो है वो भी हॉट आयोनाइज्ड गैस से ही बने होते हैं, ठीक है। सो स्टार्स भी इसका एग्जांपल हो जाएगा। मैटर की फिफ्थ स्टेट होती है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ये क्या होता है? इट इज ए स्टेट ऑफ मैटर इन विच सेपरेट एटम्स और सब एटॉमिक पार्टिकल्स कूल्ड टू टेम्परेचर वेरी नियर टू एब्सोल्यूट जीरो। जो ये मैटर की स्टेट होती है इसमें एटम और सब एटॉमिक पार्टिकल्स को ठंडा किया जाता है। जो जिस टेम्परेचर पर ठंडा किया जाता है वो होता है एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो को हम जीरो केल्विन कह सकते हैं या फिर -273 डिग्री सेल्सियस भी कह सकते हैं, ठीक है। जब किसी एटम को इस टेम्परेचर पर ठंडा किया जाता है तो जो भी एटम है वो वेव प्रॉपर्टी शो करने लगता है और एक नई स्टेट मिलती है हमें मैटर की, ठीक है। इसे और अच्छी तरह से समझते हैं। सपोज कीजिए हमारे पास ये एक मैटर है, ओ टाइप का जो आपको दिख रहा है, ये एक मैटर है हमारे पास। जब इसको इस टेम्परेचर पर ठंडा किया जाएगा तो ये सिकुड़ने लगेगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा सिकुड़ने लगेगा, श्रिंक होने लगेगा और ये श्रिंक होके बिल्कुल छोटे साइज का हो जाएगा, ठीक है, इस साइज का हो जाएगा। ये इसकी ट्रांसफॉर्मेशन जो है इस साइज की हो जाएगा और ये वेव प्रॉपर्टी शो करने लगेगा। तो ये जो है हमें एक नई स्टेट मिलेगी मैटर की, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो इसमें हो जाएगा न्यूट्रॉन स्टार और लिक्विड हीलियम। न्यूट्रॉन स्टार जो है वो बहुत हाई डेंसिटी होती है इसकी, यानी कि इसके पार्टिकल्स जो है वो बहुत पास पास में होते हैं। और लिक्विड हीलियम जो गैस होती है उसको लिक्विड बनाने के लिए -270 डिग्री सेल्सियस के आसपास इसे ठंडा करना पड़ता है, तब जाके ये लिक्विड में आती है, ठीक है। इसे सुपर फ्लूइड भी कहा जाता है। प्लाज्मा जो मैटर की फॉर्म होती है इसमें बहुत ज्यादा हाई एनर्जी होती है क्योंकि ये बहुत ज्यादा हॉट यानी कि गर्म होती है। वहीं पर बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट इसमें बहुत लो एनर्जी होती है क्योंकि इसे बहुत ठंडा किया जाता है, एब्सोल्यूट जीरो यानी कि -273 डिग्री सेल्सियस पर इसे ठंडा किया जाता है। तो बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट में बहुत लो एनर्जी होती है और प्लाज्मा में बहुत हाई एनर्जी होती है, ठीक है। अब देखते हैं चेंजिंग टेम्परेचर यूनिट। टेम्परेचर की यूनिट को किस तरह से चेंज करेंगे? टेम्परेचर के बारे में अब तक हमने पढ़ा है टेम्परेचर या तो केल्विन में और या तो सेल्सियस में। अगर हमें टेम्परेचर केल्विन में दिया गया है और हमें चेंज करना है उसे सेल्सियस में, या फिर हमें सेल्सियस में दिया गया है और उसे हमें चेंज करना है केल्विन में, तो ये किस तरह से किया जाएगा? केल्विन को के से डिनोट किया जाता है और सेल्सियस को डिग्री सेल्सियस से, ठीक है। इनमें रिलेशन क्या होता है केल्विन और सेल्सियस में? 0 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर होता है वो 273.15 केल्विन के इक्वल होता है, ठीक है। जब हम केल्विन से सेल्सियस में या फिर सेल्सियस से केल्विन में टेम्परेचर को चेंज करेंगे
तो उसके लिए हम इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल इजी फॉर्मूला है। इसमें हम केल्विन जो भी हमें यूनिट दी गई है उसका जो भी टेम्परेचर दिया गया है इसमें पुट करेंगे और दूसरे वाले यूनिट निकाल लेंगे। ठीक है, फॉर्मूला है डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू केल्विन माइनस 273। यहां पर हम 273.15 का यूज नहीं करेंगे, हम इसे राउंड ऑफ में रखेंगे, यानी कि 1.5 को हम इसमें नहीं रखेंगे। हम मान लेंगे कि 0 डिग्री सेल्सियस जो है वो 273 केल्विन के इक्वल होता है। ठीक है, इसे राउंड ऑफ में रखते हैं। ठीक है, 0.5 ज्यादा बड़ी यूनिट नहीं है, सो इसे इग्नोर कर देंगे और 273 रखेंगे। ठीक है, सो इस फॉर्मूले का यूज करते हुए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने ही है। ठीक है, सो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, टेम्परेचर की यूनिट किस तरह से चेंज की जाएगी हमारे फॉर्मूले का यूज करते हुए। सो सबसे पहले देखते हैं कन्वर्ट इनटू सेल्सियस, यानी कि हमें केल्विन से सेल्सियस में किस तरह से चेंज किया जाएगा। इसमें हमें फर्स्ट दिया है 470 केल्विन। ठीक है, सो फर्स्ट से देखते हैं, 470 केल्विन को हमें डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है। सो फॉर्मूला क्या था हमारा, डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू केल्विन माइनस 273। इसमें जो भी हमारा केल्विन का टेम्परेचर दिया गया है उसे हम के की जगह पर रख देंगे और इसे सोल्व करेंगे। सो सोल्व करते हैं, डिग्री सेल्सियस एज इट इज केल्विन, केल्विन में टेम्परेचर दिया गया हमें 470, सो के की जगह पर मैं रखूंगा 470 माइनस में 273 एज इट इज। 470 से मैं 273 माइनस करूंगा तो ये आ जाएगा हमारा 197। ठीक है, डिग्री सेल्सियस में क्या टेम्परेचर आ गया हमारा 197। जैसे ही हमने ये सोल्व किया हमारा ये हो गया डिग्री सेल्सियस में चेंज। सो अब हम केल्विन की जगह पर यहां लिखेंगे डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 470 केल्विन को हम अगर डिग्री सेल्सियस में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 197 डिग्री सेल्सियस, ये हो जाएगा हमारा आंसर। एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसी से रिलेटेड, जिसमें हमें दिया है 173 केल्विन। ठीक है, ये है सेकंड, केल्विन में हमें टेम्परेचर दिया है 173 केल्विन। तो सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू केल्विन माइनस 273, इसमें केल्विन की जगह पर रखेंगे हम 173। सो डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू के की जगह पर मैं रखता हूं 173 माइनस 273 एज इट इज रखेंगे। ठीक है, 173 से 273 को मैं माइनस करूंगा, छोटे में से बड़े को माइनस कर रहा हूं। ठीक है, सो 173 से 273 को माइनस करूंगा तो ये आ जाएगा माइनस में 100। ठीक है, अब ये किस में चेंज हो गया है, डिग्री सेल्सियस में। सो हम इसके साथ यूनिट लिख देंगे माइनस 100 डिग्री सेल्सियस। पीछे वाले पेज पर हमने केल्विन को डिग्री सेल्सियस में चेंज किया था, अब हम देखते हैं कन्वर्ट इनटू केल्विन, यानी कि डिग्री सेल्सियस को केल्विन में किस तरह से चेंज किया जाएगा सेम फॉर्मूले का यूज करते हुए। सो इसमें फर्स्ट है 30 डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस में टेम्परेचर दिया गया है उसे हमें केल्विन में चेंज करना है। सो जो भी सेल्सियस में दिया गया है उसको फॉर्मूले में जहां पर भी सेल्सियस है उसमें पुट करेंगे। ठीक है, यहां पर 30 डिग्री सेल्सियस की जगह पर मैं लिख दूंगा 30। सो ये है डिग्री सेल्सियस, इसकी जगह पर मैंने लिख दिया 30, और जो भी वैल्यूज है वो एज इट इज रहेंगी। सो इक्वल्स टू में के माइनस 273 एज इट इज। अब हमें अगर k की वैल्यू निकालनी है, केल्विन में इसे चेंज करना है, तो माइनस 273 जो है इसको मैं दूसरी तरफ शिफ्ट करूंगा, तो ये हो जाएगा 30 माइनस 273 दूसरी साइड से इस साइड आएगा, तो दूसरी साइड माइनस में है, इधर आके हो जाएगा प्लस में, साइन चेंज हो जाएगा, तो 273 प्लस का हो जाएगा और इक्वल्स टू में k। केल्विन में जो हमारा टेम्परेचर आएगा वो क्या होगा, 30 प्लस में 273, अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 303 केल्विन। ठीक है, सो हमारा टेम्परेचर क्या आया केल्विन में, 30 डिग्री को अगर हम केल्विन में चेंज करेंगे तो वो हो जाएगा 303 केल्विन। एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसी से रिलेटेड, सेकंड, इसमें हमें दिया है -71 डिग्री सेल्सियस। सो सेल्सियस की जगह पर मैं रखूंगा -71। ठीक है, सो -71 इक्वल्स टू में के माइनस 273, फिर से मैं जो -273 है इसको दूसरी तरफ शिफ्ट करूंगा। सो सबसे पहले यहां पर है -71, दूसरी तरफ से 273
इस तरफ माइनस का है तो इस तरफ माइनस है तो इस साइड आके प्लस 273 हो जाएगा, ठीक है, और इक्वल्स टू में के। प्लस वाली वैल्यू को हम पहले लिख लेते हैं, यानी कि 273 को हम पहले लिख लेते हैं, ठीक है, और माइनस 71 को बाद में लिख लेता हूं, ठीक है। इसे सोल्व करने के बाद आ जाएगा हमारा टेम्परेचर केल्विन में। 273 में से 71 को माइनस करूंगा तो ये हो जाएगा 202, ठीक है, और ये टेम्परेचर आ गया हमारा केल्विन में, यानी कि -71 डिग्री सेल्सियस को हम केल्विन में चेंज करेंगे तो वो हो जाएगा 202 केल्विन, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। सो सम एक्स्ट्रा एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इसमें सबसे पहले है व्हाई सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ड्राई आइस। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस क्यों कहा जाता है? ड्राई आइस यानी कि शुष्क बर्फ, ठीक है, जो सूखी हुई बर्फ क्यों कहा जाता है? आंसर होगा इसका, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ड्राई आइस बिकॉज व्हेन इट हीटेड इट टर्न्स डायरेक्ट इनटू गैस विदाउट टर्निंग इनटू एक लिक्विड। जो ड्राई आइस यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जब उसे हम हीट करेंगे तो वो डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाती है, सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाती है बिना लिक्विड स्टेट में आए, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, जो सॉलिड होता है वो पहले लिक्विड में चेंज होता है उसके बाद गैस में, लेकिन सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाती है बिना लिक्विड स्टेट में आए, ठीक है। और ड्राई क्या, ड्राई का मतलब क्या होगा, जो सूखा हुआ हो। सो जो लिक्विड में नहीं जाएगा, अगर कोई चीज लिक्विड स्टेट में नहीं जाएगी तो उसे कहा जाएगा ड्राई, ठीक है। इसलिए सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है ड्राई आइस, क्योंकि ये कभी भी लिक्विड स्टेट में नहीं जाती है जब इसे हीट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, व्हाई डू वी कीप ईथर एंड एसीटोन एट कूल प्लेसेस। ईथर और एसीटोन जो लिक्विड होते हैं इन्हें ठंडी जगहों पर क्यों रखा जाता है? सो आंसर होगा इसका, दीज लिक्विड्स आर इजिली वेपोरेट्स एट रूम टेम्परेचर एंड ईथर एंड एसीटोन आर इनफ्लेमेबल। इट मीन्स दे कैच फायर एट रूम टेम्परेचर, दैट्स द रीजन वी स्टोर दीज लिक्विड इन कूल प्लेसेस। जो ईथर और एसीटोन, ये दोनों लिक्विड जो होते हैं वो रूम टेम्परेचर पर ही वेपर बनने लग जाते हैं, यानी कि इनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बहुत कम होता है, रूम टेम्परेचर पर ही ये वेपर में आसानी से चेंज होने लग जाते हैं बहुत जल्दी जल्दी। और ईथर और एसीटोन ये दोनों जो लिक्विड हैं ये फ्लेमेबल ही भी होते हैं, यानी कि जब ये किसी, इनके जो वेपर होंगे वो किसी स्पार्क यानी कि चिंगारी के कॉन्टैक्ट में आएंगे तो इनमें आग भी लग सकती है, ठीक है। और इसी कारण इनको वेपर वेपर बन के ये कहीं उड़ ना जाए या फिर ये कहीं आग ना पकड़ लें, इसी कारण इन्हें ठंडी जगहों पर रखा जाता है, ठीक है, ताकि वेपर जो है वो आसानी से ना बन पाए, ठीक है। ठंडी जगहों पर रखने से क्या होता है, वेपर बनना की प्रोसेस जो है वो स्लो हो जाता है, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें कह रहा है हाउ डू वी लिक्विफाई द गैसेस। जो भी गैसेस होती हैं उनको लिक्विड फॉर्म में किस तरह से चेंज किया जा सकता है? सो इसके दो प्रोसेस होते हैं, आंसर देख लेते हैं पहले। गैसेस कैन बी लिक्विफाइड बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर एंड डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। इंक्रीजिंग द प्रेशर विल ब्रिंग द पार्टिकल्स क्लोजर एंड कूलिंग विल कॉज द पार्टिकल्स टू लूज एनर्जी, देन द स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स डिक्रीज्ड एंड गैस बिकेम इन लिक्विड स्टेट। दो रीजन, ठीक है, दो तरह से हम गैस को लिक्विड फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, लिक्विफाई कर सकते हैं, या तो हम प्रेशर इंक्रीज कर दें या फिर हम टेम्परेचर डिक्रीज कर दें, ठीक है, प्रेशर बढ़ा दें या टेम्परेचर घटा दें, दोनों कंडीशन में गैस जो है वो लिक्विफाई हो जाएगी। अगर हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो जो पार्टिकल्स हैं गैस के वो पास पास में आ जाएंगे और गैस के पार्टिकल्स पास पास में आने से वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाएगी, ठीक है। और अगर हम उसे ठंडा कर दें यानी कि टेम्परेचर कम कर दें तो जो भी उसके पार्टिकल्स, गैस के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी है वो कम हो जाएगी और उनके बीच का जो स्पेस, काइनेटिक एनर्जी कम होने से क्या होगा, जो भी स्पेस है पार्टिकल्स के बीच में वो अपने आप ही कम हो जाएगा और पार्टिकल्स के बीच का स्पेस कम होने से क्या होगा, वो फिर से लिक्विड स्टेट में आ जाएगी। यानी कि प्रेशर बढ़ाने से भी गैस को लिक्विड स्टेट में लाया जा सकता है और टेम्परेचर को घटाने से भी गैस को लिक्विड स्टेट में लाया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट यानी कि 4th क्वेश्चन है,
Why do we wear cotton clothes in summer? गर्मी के मौसम में, समर में हम कॉटन क्लोथ्स सूती वस्त्र क्यों पहनते हैं? ठीक है, सबसे ज्यादा बार पूछे जाना वाला क्वेश्चन है एग्जाम में, ठीक है। सो इसका आंसर होगा ड्यूरिंग समर वी स्वेट मोर एंड कॉटन इज अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ वॉटर हेल्प्स इन एब्जॉर्बिंग स्वेट एंड एक्सपोजिंग इट टू बी आउटर एटमोसफेयर फॉर वेपोरेशन ड्यूरिंग वेपोरेशन आवर बॉडी लूज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन एंड वी फील्स कूल समर यानी कि गर्मी के मौसम में स्वेट यानी कि हमें बहुत पसीना आता है और कॉटन जो है वो वॉटर को बहुत अच्छी तरह से एब्जॉर्ब यानी कि सोख लेता है ठीक है तो अगर ये पानी को सोख सकता है तो हमारा जो स्वेट यानी कि पसीना है उसे भी आसानी से सोख लेता है और उसे बाहर का जो एटमोसफेयर है उसके कॉन्टैक्ट में ले आता है जो हमारा पसीना बाहर के एटमॉस्फेयर के कॉन्टैक्ट में आने से वो वेपरेट हो जाता है यानी कि भाप बन के उड़ जाता है ठीक है और भाप बनने के दौरान जो भी वेपरेशन यानी कि भाप बनना हुआ वो किस कारण हुआ पसीना जो होगा हमारा स्वेट वो एनर्जी कहाँ से लेगा हीट जो है वो हमारी बॉडी से लेता है ठीक है जिसे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहा जाता है अगर पसीना हमारी बॉडी से हीट लेगा तो हमारी बॉडी जो है वो हीट लूज करेगी और हमें ठंडा फील होगा ठीक है इसी कारण हम कॉटन क्लोथ्स को समर सीजन में पहनते हैं ठीक है अब है क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें कह रहा है व्हाई आइस कूल बेटर देन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस आइस यानी कि बर्फ जो है वाटर 0 डिग्री सेल्सियस आइस और वाटर दोनों 0 डिग्री सेल्सियस पर हो तो आइस यानी कि बर्फ ज्यादा कूलनेस ठंडक क्यों प्रदान करती है हमें प्रोवाइड क्यों करती है इसी क्वेश्चन को अगर दूसरी तरह से पूछना चाहे तो वो भी हो सकता है जैसे व्हाई इज आइस एस 273 केल्विन मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर आइस 273 केल्विन पर और वाटर भी 270 सेम टेम्परेचर पर ही आइस ज्यादा ठंडक क्यों प्रदान करती है ज्यादा इफेक्टिव कूलिंग क्यों देती है हमें वाटर की बजाय ठीक है सो दोनों ही क्वेश्चन का मतलब एक ही है इसका आंसर भी एक ही हो जाएगा आइस एट 273 केल्विन वुड एब्जॉर्ब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एज वेल एज द हीट एनर्जी बट वाटर एट 273 केल्विन वुड जस्ट एब्जॉर्ब हीट एनर्जी इट मींस आइस एब्जॉर्ब मोर हीट एज कंपेयर टू वाटर एट द सेम टेम्परेचर आइस जो है वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को भी एब्जॉर्ब करेगी और उसके साथ साथ हीट एनर्जी को भी एब्जॉर्ब करेगी ठीक है क्योंकि आइस जो है वो ज्यादा आइस में लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन नहीं होता है सो ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को भी एब्जॉर्ब कर लेगी और हीट को भी एब्जॉर्ब कर लेगी लेकिन जो वाटर होता है 0 डिग्री सेल्सियस पर उसमें लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन नहीं होता है ठीक है इसमें पहले से ही होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वाटर में तो ये सिर्फ हीट एनर्जी को ही एब्जॉर्ब कर पाएगा इसलिए वाटर जो है वो कम कूलिंग प्रोवाइड करता है हमें आइस की कंपेयर में ठीक है क्योंकि आइस दो तरह की हीट को एब्जॉर्ब कर सकती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और हीट एनर्जी को साथ में लेकिन वाटर के पास तो पहले से ही लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है इसलिए ये सिर्फ हीट एनर्जी को ही एब्जॉर्ब कर पाएगा ठीक है लास्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा जिसमें कह रहा है व्हाट प्रोड्यूसेस मोर सेवर बर्न्स बॉइलिंग वाटर और स्टीम बॉइलिंग वाटर यानी कि उबलता हुआ पानी और स्टीम यानी कि भाप इन दोनों में से कौन सा हमें ज्यादा सर्व बर्न्स यानी कि तेजी से जला सकता है ज्यादा गंभीर रूप से जला सकता है सो इसका आंसर हो जाएगा स्टीम प्रोड्यूसेस मोर सेवर बर्न्स एज इट हैज हिडन लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन बट वाटर डज नॉट हैव एनी हिडन हीट जो स्टीम होती है वो हमें ज्यादा गंभीर रूप से जला सकती है क्योंकि इसमें एक हिडन हीट होती है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इसमें एक्स्ट्रा हीट होती है ये वाटर से ठीक है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन जो कि वाटर में नहीं होती है ठीक है वाटर में सिर्फ हीट होती है और इसमें हीट के साथ साथ लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन भी होता है इसलिए स्टीम हमें ज्यादा जला सकती है एज कंपेयर टू बॉइलिंग वाटर ठीक है उम्मीद करूंगा आपको चैप्टर के सभी कॉन्सेप्ट समझ आए होंगे अगर आपको सभी कॉन्सेप्ट समझ आए हैं तो इस वीडियो को अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए
अगर कोई भी कॉन्सेप्ट रह गया है जो समझ नहीं आया है या अगर आपका कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन है चैप्टर से रिलेटेड सो उसे कमेंट बॉक्स सेक्शन में मेंशन कीजिए। और चैप्टर पार्ट वन का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से पार्ट वन आप जाके देख सकते हैं। ठीक है।